प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में होने वाले रोड शो को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री के रोड शो को सफल बनाने के लिए भाजपा मंडल धर्मशाला की विशेष बैठक मंडल महामंत्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया और नगर निगम के मेयर ओंकार नहरिया विशेष रूप से शामिल रहे। विधायक विशाल नहरिया ने कहा कि रोड शो के प्रभारी एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से चर्चा के बाद विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के अंतर्गत 17 नगर निगम वार्ड, 7 छावनी वार्ड और 28 ग्राम पंचायतों में रोड शो के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो अपनी टीम के साथ धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाकर रोड शो के लिए निमंत्रण देंगे। विधायक विशाल नहरिया ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को धर्मशाला आ रहे हैं, जिसको लेकर धर्मशाला मंडल के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ता जोर शोरों से तैयारी में जुटे हुए हैं। तेजी से जो आगे बढ़ रही है और यहाँ के जो स्थानीय व्यापार है उनके व्यापार में बहुत बड़ा लाभ जो है, इजाफा जो है व्यापार में हो रहा है, चाहे होटल्स का हो, चाहे अन्य शॉप्स का हो, व्यापारियों का हो, हर दिशा में जो है हमारा धर्मशाला आगे बढ़ रहा है। और मैं सच में ही सौभाग्यशाली हूँ कि धर्मशाला के सेवक होने के नाते मुझे ये मौका मिला कि ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर मैं स्वागत कर सकूँ, अभिनंदन कर सकूँ। चाहे राष्ट्रपति हमारे हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, ऐसे दोनों शख्सियत धर्मशाला में, इनके प्रवास से जो है धर्मशाला को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके दूरगामी अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जनता बहुत सारी उत्साहित है, कोई संख्या का हम लोग आंकड़ा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। और बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे आम जनमानस, क्योंकि देखिए मोदी जी ने देश की सेवा के लिए ईमानदारी के साथ काम किया है और उस सेवा में कोई कमी नहीं रखी है। आज देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है, उनकी नीतियों के साथ जुड़ना चाहता है, उनके द्वारा जो चलाई गई जन लाभकारी योजनाएँ उनके साथ जुड़ना चाहता है। और लोगों की सेवा जो है नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह पर की है, पूरे देश के कोने में की है, देश के एक एक कोने में की है। और मुझे लगता है एक सच में ही अपने आप में रिकॉर्ड में जो है एक रोड शो धर्मशाला का ये होने वाला है मोदी जी के स्वागत को लेकर। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।